आज जैसे मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, मैंने देखा बहुत बड़ा पंखा, एक बोर्ड पे पड़ा पीना फूकना और थूकना मना है, 2000 लगेंगे, मजा आ गया। ऑटो पिकअप पॉइंट में सारी ऑटो लाइन में खड़ी होती है और कस्टमर्स भी, जिसके नसीब में जो ऑटो आ गए, जिसके ऑटो में जो कस्टमर आ गया। फाइनली हमारी ऑटो आ गई और ये बैग संभालने की निंजा टेक्निक। मैं रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा था और एक तरफ इसको देखो, ये गाना और नाचना दोनों शुरू कर दिया। 242 में हम पहुंच गए थे लोखंडवाला मार्केट। फूड इन पे इतने सारे तरबूज और फ्रूट्स देखे ना, प्यास लग गई तो हमने पूछा पर वो बंद था। पर रेस्टोरेंट खुली थी तो हम अंदर चले गए। अजीब सी शक्लें बनाते हुए हमने वेट किया खाने का। भूख इतनी थी कि पहले प्याज और चटनी आई, हमने उसी से शुरुआत कर दी। फाइनली रोटी दाल और सब्जी आ गई, भूख लगी थी पर इसकी फोटोग्राफी भाई यार अब खत्म ही नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस पर तो ये वीडियो भी शुरू हो गई थी। बोलने पे मुझे ऐसा लुक दे रही थी। फाइनली इसने प्रे किया और हमारा खाना शुरू हो गया, जो कि बहुत यम्मी था, मतलब ओवर ईटिंग हो गई थी। इतना सारा डेजर्ट देख के मन किया भाई यार थोड़ा सा खा लेते, पर पेट में जगह नहीं बची थी। फिर ये किसी और की बाइक पर बैठ के हमारे एक प्रीमियर अटेंड कर रही थी। तभी मैंने इस डॉगी को रास्ते में देखा, देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ। बहुत ही कड़कती धूप की वजह से प्यास लग गई थी तो एक शॉप में जाके पेप्सी उठा ली, मतलब खरीद ली, फिर सीधा इसके मुंह पे चिपका दी। पेप्सी भी क्या दिमाग ठंडा ही किया था कि रोड क्रॉस करते हुए अचानक रास्ते पे उतर गए भाई, अचानक गाड़ी आ गई थी और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर मेरा ना दिमाग खराब हो गया। लॉन्ग वीडियो पिन कमेंट में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना।